नमस्कार बच्चों, ट्रिप्स की नई सीरीज में आज हम आपके लिए लाए हैं ओदतो कंठोष्ठम। ओदतो से क्या मतलब हुआ? ओ जो उच्चारण स्थान होता है, ओ और दकार दोनों का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ के माध्यम से होता है। कंठ और होठ, हमारे जो होठ हैं और कंठ है उसके माध्यम से ओ और दकार का उच्चारण होता है। इसी प्रकार की टिप्स को जानने के लिए आप YouTube, Facebook, Insta पर आप हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।